तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है मेरी क्लास अनुभवित रवि के मैथ्स में। और हमारी प्रश्नावली कौन सी चल रही है, 3.1 कहा था बता। और इसके क्वेश्चन नंबर हम 9 तक पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है इस 9 क्वेश्चन के, इसको देखना है। इसमें क्या दिया गया है कि 2 की घात 2 × 3 की घात 3 और उसके ऊपर भी घात लगी हुई है 2। तो बताओ दोस्तों, ये जो 2 घात लगी हुई है ये ब्रैकेट में बंद संख्याओं के दोनों के ऊपर लगी हुई है, यानी कि इसके ऊपर भी लगी हुई है और इसके ऊपर भी लगी हुई है। तो इस 2 घात को क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर लगा देते हैं। जैसे मान लो कि 2 की घात 2 है, ठीक है, और उसके ऊपर भी घात कितनी हो जाएगी, 2 × 3 की घात कितनी है 3 और उसके ऊपर भी घात कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि दोनों पर हमने जो घात लगी हुई थी वो लगा दी। अब बताओ इसमें कौन सा नियम लग रहा है, घात की घात, यानी कि दोनों में घात की घात वाला नियम लग रहा है। घात की घात वाला नियम क्या था, जैसे कोई संख्या है a और उस पर लगी हुई है घात 2 और उसके ऊपर भी घात लगी हुई है 2, तो दोनों घातों को हम क्या करते थे, गुणा कर देते थे, ठीक है। यानी कि 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब बताओ यहां पर क्या होगा, 2 के ऊपर घात है 2 और 2 को 2 से क्या कर देंगे हम, बाहर वाली घात से गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यहां पर क्या है 3, यहां पर क्या है घात की घात, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, यानी कि 2 को 2 से ही 4 बार गुणा करना है, 3 को 3 से ही 6 बार गुणा करना है। यहां पर देखना 2 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 4 बार। अब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 को कितनी बार गुणा करना है, 6 बार गुणा करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16 आएगा। उसके बाद इनटू 3 को 3 से 9, 9 को 3 से 27, 27 को 3 से 81, 81 को किस से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 3, 8, 3, 24, ठीक है। यहां तक तो 243 आ गए। फिर 243 को भी किस से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3, 9, 4, 3, 12, 2 × 3, 6, 6, 7, यानी ये आएंगे आपके 729। अब 729 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, 9 × 6, 54, 8 × 5, 6 × 12, 12 × 5, 17, 8 × 6, 42, 42 × 6, 43, 43 इंटू 9 × 9, 2 और 7 4, 6, 2 × 3, 3 × 6 और 7 × 4, 11 यानी कि 11,664 इसका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, सभी संख्याओं को पहले खोल लेना है, यानी कि दोनों संख्याओं पर क्या लगा हुआ आपका, घात है। तो ये तो वो आपका पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम कर लेते हैं हमारा सेकंड, इसके ऑप्शन में ही हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साथ में स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स लिख लो या वीडियो को डाउनलोड कर लो, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में ये सेव रहेगा तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी इन क्वेश्चनों को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारा सेकेंड क्या है, सेकेंड में हमें क्या दिया गया है कि 15/16 और उसकी घात कितनी है आपकी, 3। उसके बाद क्या दिया गया है, 9/8 और उसकी घात कितनी है, 2। यह दिया गया है। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि भाग के चिन्ह को अगर हमें हटाना है तो पहली वाली संख्या के बाद में जो दूसरी संख्या दे दी गई है, कौन सी है दूसरी संख्या, 9/8, इसको उलट देंगे। उलट देने पर क्या होगा, ये संख्या गुणा में चेंज हो जाएगी और जो ये बट्टे में है वो ऊपर चली जाएगी। जैसे मान लो कि 15/16 को तो हमने 15/16 लिख दिया और उसके ऊपर घात कितनी है, 3। इस संख्या को हमें गुणा में चेंज करना है तो गुणा हो कर दिया। जब हम भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये बट्टे वाली संख्या कहां चली जाएगी, ऊपर, और ऊपर वाली संख्या कहां आ जाएगी, नीचे, और उसके ऊपर लगा हुआ है सूत्र। अब बताओ ये 15 है, 15 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 × 5 यानी कि 5 × 3 = 15, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। और ये जो घात है वो इस ऊपर वाले पर भी है और नीचे वाले पर भी है। 16 को किस रूप में लिख सकते हैं, 16 का निकालो आप गुणनखंड, जैसे 2, 8 आया, फिर 2, 4 आया, फिर 2, 2 आया और 2 एकम
दो, यानी कि दो को दो से, दो को दो से, दो को दो से, यानी कि दो को चार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। दो को कितनी बार गुणा करेंगे, चार बार। ये तो हुआ आपका 16 का, और उसके ऊपर भी घात लगी हुई आपकी 3, तो 3 घात लगा दी। अब है इनटू, अब है 8, 8 के ऊपर भी घात है और 9 के ऊपर भी घात है, लेकिन दोस्तों हम 8 को किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं ना, यानी कि 2 को 2 से, 2 को 2 से, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 8 आ जाएगा। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 3 बार। और यहां पर देखो बाहर भी क्या लगी हुई है, घात है, 2 लगी हुई है तो 2 घात लगा दी। नीचे 9 है, 9 को, 9 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 3 3 9, 3 1 3, यानी कि 3 की घात, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और बाहर भी क्या घात लगी हुई है, 2 घात लगी हुई है। अब यहां से देखना, ये 3 है उसके ऊपर भी घात कितनी है, 3, और ये 5 है उसके ऊपर भी घात कितनी है, 3, ठीक है। यहां पर 2 है और उस पर घात 4 है और उसके ऊपर भी घात कितनी है, 3, यानी कि घात की घात वाला नियम लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 इंटू यहां पर 2 और उसके ऊपर भी घात कितनी है, 3, यानी कि घात की घात वाला, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, नीचे क्या है आपका 3, यहां पर भी घात की घात वाला, तो 2 2 4। अब यहां देखना, जो संख्या कोई, यदि कोई संख्या है और उसके आधार समान है तो उनकी घातों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, जब वो संख्या किस में हो, भाग के अंदर हो, तो यहां पर देखना, और यदि कोई संख्या और उसके आधार क्या है, समान है, तो उसकी घातों क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो पहले वाली कौन सी संख्या है, 3, उसकी घात क्या है, 3, बट्टे में कौन सी संख्या है, 3, और उसकी घात भी क्या है, 4। तो अभी मैंने कहा कि यदि कोई संख्या हो और उसके आधार समान हो और वो संख्या बट्टे में हो तो उसकी घातों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, इंटू। अब यहां पर क्या बच गया, 5 की घात 3, ठीक है। अब नीचे क्या है, 2 की घात 12 और उसमें से क्या घटा देंगे, 6, ठीक है। अब बताओ दोस्तों, बराबर 3 की घात 3 माइनस 1, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 करेंगे तो यह आएगा आपका -1 इंटू 5 की घात क्या है, 3, बट्टे में क्या है, 2 की घात आ जाएगा ये, 6, ठीक है। अब बताओ यह संख्या माइनस में, इसे अगर हमें प्लस में लाना है तो क्या करना है, इसको अगर हमें प्लस में लाना है तो इसको बट्टे में ले आए, प्लस हो जाती है। तो यहां पर देखना, यहां पर ऊपर क्या बचेगा आपका, 5 की घात 3, और ये 3 है उसके ऊपर माइनस की घात लगी हुई है तो बट्टे में जाते क्या हो जाएगी, प्लस की घात हो जाएगी, यानी कि 3 की घात 1 इंटू यहां पर क्या है, 2 की घात 6, यानी कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 से ही 6 बार गुणा करना है। तो सिंपल है, कर लो, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा आपका 6, 1 2 3 4 5 6। अब गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करो, 4 4 को 2 से 8, 8 2 16 16 32 32 64, यानी कि 64 आ गया। 64 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। ऊपर क्या है, 5, 5 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर क्या आ जाएगा, 125, 5 25 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 125, यहाँ पर क्या है, 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आएगा। तो ये आपका निकल गया सेकंड का ऑप्शन। अब हमारा है दोस्तों थर्ड, थर्ड को भी देख लेते हैं, तीसरे में हमें क्या दिया गया है, सिंपल है, अगर आप बेसिक लेवल से चल रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम से नहीं आ रही। अब हमारा जो तीसरा है उसको भी देख लेते हैं, तीसरे में हमें क्या दिया गया है कि 4/9, 4/9 और उसकी घात लगी हुई है 2 और यहां पर है भाग और यहां पर है 28/27 और उसके ऊपर भी घात लगी हुई है 3। तो इसमें क्या किया है, हमने पहले भी सीख लिया है कि अगर कोई भाग में संख्या है और उसे हमें गुणा में चेंज करना है तो क्या होगी, ऊपर वाली तो संख्या चली जाएगी नीचे और नीचे वाली संख्या क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। तो 4/9 को तो हमने 4/9 लिख दिया और उसके ऊपर भी घात है 2। अब इस संख्या को क्या करना है, इस यहां पर जो चिन्ह है भाग का है, इसको हमें चेंज करना है गुणा में। तो गुणा में हम जब भी चेंज करेंगे तो नीचे वाली संख्या क्या होगी, ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या क्या होगी, नीचे चली आएगी। और चिन्ह किसका लगा हुआ है, भाग का लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखना, ये 4 है उसके ऊपर भी घात 2 है और ये जो 9 है इसके ऊपर भी घात 2 है, यानी कि दोनों के ऊपर घात लगी हुई है। तो क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2/9 की घात 2। यहां पर देखो 27 के ऊपर भी घात क्या है, 3 है और 28 के ऊपर भी घात कितनी है,
तीन है। अब बताओ दोस्तों, चार को हम किस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि दो गुणा दो, ठीक है, दो गुणा दो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो की घात दो, और ऊपर भी घात कितनी लगी हुई है, दो, यानी कि दो को दो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चार, और चार के ऊपर घात लगी हुई है दो। अब है नौ, अब नौ को कैसे लिख सकते हैं हम, नौ को हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, तीन की घात, यानी कि तीन का जब हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, गुणनखंड, तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, तीन, तीन की घात दो और उसके ऊपर भी घात लगी हुई है दो, ठीक है, इनटू। अब है दोस्तों आपका सत्ताईस, तो सत्ताईस का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, सत्ताईस में आप भाग दो किसका जाएगा, तीन का जाएगा नौ बार, फिर तीन का जाएगा तीन बार, फिर तीन का जाएगा एक बार, यानी कि तीन गुणा तीन गुणा तीन, यानी कि तीन के ऊपर हम अगर घात तीन लिख दें तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, सत्ताईस के रूप में लिख सकते हैं, और उसके ऊपर भी घात लगी हुई है तीन। उसके बाद है दोस्तों आपका अट्ठाईस, तो अट्ठाईस का जब आप गुणनखंड निकालोगे तो वो आएगा दो गुणा चौदह, फिर आएगा सात, और फिर आएगा सात, यानी कि दो की घात दो इंटू सात, और इस पूरे के ऊपर कितनी घात लगी हुई है तीन। तो इस प्रकार हम इसको सरल करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब दोस्तों दो की घात दो है, यानी कि घात ही घात वाला नियम लग रहा है, दो की घात चार हो जाएगा, यहां पर क्या है तीन है और ऊपर घात कितनी है तीन, तो तीन को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नौ हो जाएगा, नीचे क्या है तीन है और उसके ऊपर घात कितनी है दो, और उसके ऊपर भी घात है दो, यानी कि दो दूनी चार। अब यहां देखो दो की घात कितनी है दो, और ये जो तीन है ये इस दोनों के ऊपर भी लगी हुई है, यानी कि इसको हम गुणा कर देंगे, और यहां पर सात है तो सात पर घात एक है, एक का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हम लिख दिया सात की घात तीन। अब यहां से देखना, यहां पर क्या होगा कि दो की घात चार का तो दो की घात चार बट्टे तीन की घात चार का तो तीन की घात चार, यहां पर क्या है तीन की घात नौ बट्टे दो की घात क्या हो जाएगी, अब घात की घात वाला छह इंटू सात की घात एक। अब यहां पर देखो दोस्तों, यदि कोई संख्या और उनके आधार समान है और वो संख्या भाग में है तो उनकी घातों को क्या करते हैं हमें घटा देते हैं, यानी कि दो की घात क्या क्या है आपकी चार, उसमें से क्या करेंगे हम छह को घटा देंगे, नीचे क्या है तीन की घात चार और तीन की घात ऊपर है नौ, यानी कि दोनों के आधार समान है तो उनकी घातों को क्या कर देंगे हमें घटा देंगे, यानी कि तीन की घात चार में से नौ घटाएंगे इंटू। अब यहां पर क्या बचेगा आपका एक बटा सात की घात तीन, सॉरी यहां पर मैं तीन लिखना भूल गया था। अब दोस्तों क्या करना है, ऊपर क्या बचेगा देखो, दो की घात चार में से छह घटाएंगे तो माइनस का दो बचेगा, नीचे क्या बचेगा आपका तीन, और सॉरी तीन है ये, और चार में से नौ घटाएंगे तो माइनस का पांच, ठीक है, यहां पर माइनस है माइनस का पांच इंटू एक बट्टा सात। अब देखो हमें करना है इस माइनस के चिन्ह को चेंज, तो क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं नीचे ले जाते हैं, और नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं, यानी कि तीन बट्टे पांच सॉरी तीन की घात पांच तो ऊपर चला जाएगा और दो की घात दो नीचे आ जाएगा, यानी कि जब हम अदल बदल कर देंगे तो वो क्या होगा माइनस का चिन्ह यहां से हट जाएगा और इंटू क्या लगा हुआ है एक सॉरी सात की घात तीन। अब क्या करना है तीन को क्या करना है आपको तीन को पांच बार मल्टीप्लाई करना है तीन से, तो यहां पर करके देखते हैं तीन इंटू तीन इंटू तीन इंटू तीन इंटू तीन एक दो तीन चार पांच तीन तीन नौ तीन सत्ताईस सैंतीस इक्यासी, और इक्यासी को हम करते हैं तीन से मल्टीप्लाई तो तीन आठ तीन चौबीस, यानी क्या आएगा आपका दो सौ तैयारीस, कितना आएगा दो सौ तैयारीस, ठीक है, नीचे क्या है आपका दो और उसके ऊपर लगी हुई घात दो, यानी कि यह आ जाएगा चार, और चार को किससे मल्टीप्लाई करना है सात की घात तीन, यानी कि सात इंटू सात इंटू सात, तो सातों सत्ता उनचास, उनचास को किससे मल्टीप्लाई करना है सात से, उनचास को सात से, नौ सत्ता तिरसठ तिरसठ का तीन, सात सौ अट्ठाईस अट्ठाईस और छह अट्ठाईस और छह हो जाएगा आपका चौतीस, यानी कि तीन सौ तैयारीस, तीन सौ तैयारीस, और 343 को किससे मल्टीप्लाई करना है तीन से गुणा करना है सॉरी चार से मल्टीप्लाई कर दें तो चार तीन बारह चार चौ सोलह सोलह और एक सत्रह हासिल का एक तीन चार तीन बारह बारह और एक तीन यानी कि 1372, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1372 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1372। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर।
चार तीन बारह, चार चौ सोलह, सोलह एक सत्रह, चार तीन बारह, बारह एक तेरह। तो ये था दोस्तों आपका आज के ऑप्शन के, आज के तीसरे ऑप्शन का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो जितना कमेंट करें। तो मिलेंगे हमें अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय एंड देखते रहे मेरे चैनल अनुभव इतरवी के।